Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum class 2. Today we are going to start your science work. So open your science book page number 32, caring for the environment. Start reading because your environment is shared by many different living things. To page number 33, pick up litter and don't drop litter. Then write meaning of these words: healthy, sehatmand, survive, guzarna. Class, in our previous lecture we have already discussed about environment. We defined environment as the area around us, and we are sharing this environment with living and non-living things. Class, हमने अपने जो previous lecture था उसमें environment को define किया था कि हमारे eight grid का जो area होता है उसको हम environment बोलते हैं, और हमारे environment जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो शेयर कर रहे हैं. अब लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी थिंग्स इंक्लूड हैं? प्लांट्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस. प्लस एज यू नो दैट मैनी अदर लिविंग थिंग्स आर शेयरिंग दिस इन्वायरमेंट विद अस, देन इट इज़ आर ड्यूटी टू कीप दिस इन्वायरमेंट हेल्दी, सेफ एंड क्लीन फॉर अदर लिविंग थिंग्स एंड फॉर आर सेल्फ. बिकॉज जो हमारा इन्वायरमेंट है ना वो हमारी वजह से पोल्यूटेड हो रहा है, दूसरी लिविंग थिंग्स की वजह से पोल्यूटेड नहीं हो रहा है. वी आर पोल्यूटिंग द एयर बाय यूजिंग मोर मोटर व्हीकल्स. बहुत ज़्यादा हम जो है वो गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से एयर जो है वो पोल्यूटेड होती है, और हम लोग जो है वो पानी को गंदा कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन भी हम लोग फैला रहे हैं. तो इसकी वजह से जो दूसरी लिविंग थिंग्स है ना वो भी इफ़ेक्ट होती हैं. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करें और सेव और हेल्दी करें, नॉट फॉर दोस बट आल्सो फॉर आर सेल्फ. हमें खुद के लिए भी ये करना चाहिए और दूसरे लिविंग थिंग्स के लिए भी करना चाहिए. सो व्हाट यू कैन डू टू कीप योर इन्वायरमेंट हेल्दी, यू कैन ग्रो प्लांट्स. ओके, आपको ट्रीज जो हैं ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट करनी चाहिए, ट्रीज़ उगाने चाहिए. बिकॉज ट्री जो हैं वो शेड, शेल्टर और फूड प्रोवाइड करते हैं टू अदर स्पीशीज, टू अदर लिविंग थिंग्स. ओके, तो आपको ट्रीज़ जो हैं वो प्लांट करने चाहिए. इसके अलावा ट्रीज़ जो हैं वो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, और बहुत सारी जो एयर पोल्यूशन की वजह से डिजीज़ होती हैं ना उसको भी कंट्रोल करते हैं. जस्ट लाइक हम लोग जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन है इसकी वजह से हम लोग कैंसर, स्किन इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो हैं उनसे सफ़र कर रहे हैं, और इससे हमारी हेल्थ पर जो है वो बुरा असर पड़ता है. इसलिए हमें ट्रीज़ जो हैं वो ग्रो करनी चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन हो सके. नेक्स्ट स्टेप है रीयूज मटेरियल्स. जो भी मटेरियल आपके पास होता है आप उससे रीयूज़ करें. जस्ट लाइक कि आपके पास अगर प्लास्टिक बोतल है तो आप उसको थ्रो करने के बजाय आप उसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसे एज अ पेन होल्डर यूज़ कर सकते हैं, आप उसे डेकोरेट करें एज अ पेन होल्डर यूज़ करें, या तो फिर आप उसको कट करें और उसमें जो है वो प्लांट्स ग्रो करें. इसके अलावा आपकी बाबा की कार के टायर्स होते हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं तो आप उन्हें फेंक देते हैं, आप उन्हें भी रीयूज़ कर सकते हैं. आप उनसे अपने लिए स्विंग्स बना सकते हैं, या तो फिर आप उनमें भी प्लांट्स ग्रो करते हैं. नेक्स्ट स्टेप है ग्रो योर ओन फूड. होम ग्रोन वेजिटेबल्स आर ऑलवेज बेटर. आप जो है अपने घर में ही छोटे छोटे सी जो वेजिटेबल्स होती हैं ना वो आप ग्रो कर सकते हो. जस्ट लाइक टमाटोज, चिलीज, गार्लिक. ओके, तो इससे क्या होगा, आपको जो होममेड वेजिटेबल्स हैं ना वो मिलेंगी और वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होती हैं, और इससे आपका एनवायरनमेंट भी क्लीन होगा और प्रीटी भी. नेक्स्ट स्टेप इज़ टेक योर ओन शॉपिंग बैग्स टू द शॉप्स. क्लास, एज यू नो दैट जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो डिस्पोजिबल नहीं होते हैं, यानी कि हम उनको डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते हैं. ठीक है, वो किसी भी तरह ख़त्म नहीं हो सकते हैं. आप अगर एक प्लास्टिक बैग है उसको आप कई सालों तक मट के अंदर, ज़मीन के अंदर दबा दें और फिर उसको बाहर निकालें तो वैसे का वैसा ही रहेगा.
और अगर हम इनको जलाते हैं तो उससे एक ख़तरनाक जहरीली गैस जो है वो हवा में शामिल हो जाती है, जिससे कि हमारी एयर जो है वो पल्यूटेड हो जाती है और हमें और ज़्यादा बीमारियां जो हैं उनके वायरसेस जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो इसीलिए ना तो हम उसे जला सकते हैं ना ज़मीन में दबा कर ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसकी प्रोडक्शन को कम करें। और इसकी प्रोडक्शन कम कैसे होगी, जब हम अपने जो प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स हैं जिनको हमने एक बार ख़रीद लिया है, एक बार यूज़ कर लिया, तो उसको हम रीयूज़ करें, दोबारा जब शॉपिंग करने चाहें तो अपने वही बैग्स अपने साथ लेकर जाएं, इनसे इनकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पिकअप लीटर एंड डोंट ड्रॉप लीटर। जो गंदगी होती है ना आपके हाथ में, जो जो भी रैपर्स होते हैं, जो आप कहीं भी फेंक देते हो, क्लास में फेंक दिया, घर में फेंक दिया, पार्क में तो पार्क में फेंक दिया, ये भी आपका जो माहौल है ना, इन्वायरमेंट है, उसको पोल्यूटेड करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। इनफैक्ट आपको जहाँ कहीं भी ट्रैश नज़र आता है आप उसको उठाएँ, उसको डस्टबिन में डालें और उसके बाद अपने हैंड वॉश करें। ओके नाउ क्लास, आपको बी पार्ट सॉल्व करना है क्वेश्चन का। दिस इज़ क्रॉसवर्ड पज़ल और हमारे पास एक्रॉस में जो हिंट्स हैं नंबर 4 के लिए, दिस मेक्स द इन्वायरमेंट हेल्दी। इन्वायरमेंट को हेल्दी कौन सी चीज़ बनाती है? प्लांट्स। सो वी विल राइट PLANTS, प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास है इट्स बेटर नॉट टू थ्रो अवे थिंग्स वी कैन। बेहतर ये होता है कि हम चीज़ों को ना फेंकें और इनको क्या करें, रीयूज़ करें। तो हम इसके लिए क्या राइट करेंगे, RERUSE, यूज़, रीयूज़। डाउन में हमारे पास नंबर 1 है, दिस मस्ट ऑलवेज बी थ्रोन इनटू अ डस्टबिन। डस्टबिन में क्या थ्रो करना चाहिए, लीटर, LIEER, लीटर। नंबर 1 में हमने राइट कर दिया। बैग्स मेड फ्रॉम दिस स्पॉइल द इन्वायरमेंट। जो बैग्स बनते हैं ना इस मटेरियल से, वो स्पॉइल करते हैं इन्वायरमेंट को। तो कौन से बैग स्पॉइल करते हैं, प्लास्टिक बैग्स। तो वी विल राइट PLASTIC, प्लास्टिक। देन हमारे पास थर्ड है, वी शुड ब्रीथ क्लीन हेल्दी डैश एयर, AIR, एयर। नंबर 3 में हम राइट करेंगे एयर। सो आपको ये क्रॉसवर्ड जो है ये बुक पर सॉल्व करना है। और आज की आपकी वर्किंग जो थी वो इतनी थी। वर्किंग फिनिश करने के बाद आपने लर्निंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।